हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस सब्र एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे यूपीएससी एनडीए के 2019 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स के जो इसकी एग्ज़ाम डेट है और सिलेबस क्या रहेगा, जो एग्ज़ाम पैटर्न है, कैसे आप इसके लिए सिलेक्शन पा सकते हैं, तो इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी एनडीए फर्स्ट के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो 9 जनवरी 2019 से शुरू हो चुके हैं और जो इसके लिए जो लास्ट डेट थी वो थी 4 फरवरी 2019। अब इसके लिए जो एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या रहेगी। तो दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 8 फरवरी 2019 से 14 फरवरी 2019 तक जो है एप्लीकेशन फॉर्म का जो को निकाल सकते हैं और इसके लिए जो ई एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जाएंगे वो किए जाएंगे यूपीएससी की वेबसाइट upsconline.nic.in से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो आपकी जो परीक्षा होगी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी और इसके लिए जो एग्ज़ाम है दोस्तों एन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 21 अप्रैल 2019 फॉर एडमिशन टू द आर्मी नेवी एंड एयर फोर्स विंग ऑफ द एनडीए फॉर द 143 कोर्स एंड 105। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके अकॉर्डिंग जो आपकी परीक्षा होगी एनडीए की वो होगी 21 अप्रैल 2019 को। आपके एग्ज़ाम जो आपकी जो परीक्षा होगी वो ली जाएगी और इसके लिए एडमिट कार्ड जो परीक्षा से लगभग एक हफ्ते पहले जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे, यानी कि आप 15 तारीख के बाद जो है 14 या 15 तारीख के बाद अपने एग्ज़ाम डेट्स को के लिए जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम वेन्यू का पता कर सकते हैं। इस परीक्षा के लिए जो दोस्तों जो टोटल पोस्ट है वो हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए हैं वो हैं 342, इसमें 208 हैं आर्मी के लिए और 42 फॉर नेवी एंड 92 फॉर एयरफोर्स के लिए 92 पोस्ट हैं, 42 पोस्ट नेवी के लिए हैं और आर्मी के लिए 208 पोस्ट हैं। और जो नावल एकेडमी है दोस्तों प्लस टू कैडेट एंट्री स्कीम, इसके लिए 50 पोस्ट हैं, यानी टोटल 392 पोस्ट हैं जो जिन पर इसके लिए परीक्षा होगी। इसके बाद दोस्तों, जो इसके लिए एग्जामिनेशन स्कीम रहेगी वो रहेगी, इसमें आपका मैथमेटिक्स है जिसके लिए कोड 01 है, 2.5 घंटे का इसके लिए एग्ज़ाम होगा और जो 300 नंबर की है जो है मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसके अंदर। इसके बाद जनरल एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा जिसका 2.5 घंटे का टाइम होगा और 600 नंबर आपको मैक्सिमम जो है दिए जाएंगे, यानी टोटल 900 नंबर का जो है आपका पेपर होगा और जो SSB टेस्ट और इंटरव्यू जो है टोटल 900 नंबर का है दोस्तों आपका ये। इसके लिए दोस्तों जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा अलजेब्रा आएगा इसके अंदर, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स और ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 2 एंड 3 डायमेंशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा आएगा दोस्तों और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और जो पेपर टू है दोस्तों आपका रीजनिंग जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसके अंदर आपकी इंग्लिश जनरल नॉलेज आएगी, इंग्लिश होगी दोस्तों मैक्सिमम 200 नंबर की जो आपकी इंग्लिश होगी और जो जनरल नॉलेज है दोस्तों वो मैक्सिमम जो है 400 नंबर की होगी। इसमें सेक्शन ए होगा दोस्तों फिजिक्स का जिसमें ये सब्जेक्ट दिखाए गए हैं दोस्तों चैप्टर्स, ये टॉपिक्स आएंगे आपके, और जो सेक्शन बी होगा वो केमिस्ट्री का होगा और जो सेक्शन सी है दोस्तों वो साइंस का, और सेक्शन डी में आपका हिस्ट्री फ्रीडम और मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और जो सेक्शन ई है दोस्तों वो होगा जियोग्राफी और सेक्शन एफ में है आपके करंट इवेंट। तो ये तो दोस्तों इसमें जो है आपके आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स असाइन टू पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए बी सी डी ई और एफ विल कैरी अप्रोक्सीमेटली जो ए से होंगे 25% होंगे और बी में जो है 15% और सी के लिए 10% और बी के लिए डी के लिए दोस्तों 20% और ई के लिए भी 20% और जो एफ है इसके लिए 10% जो है वेटेज दी जाएगी।
दोस्तों, अगर आप इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस दिशा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं तो इसके लिए हम जो वीडियो लेकर आएंगे इसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।